आओ जी आओ, स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने शो च जिसका नाम है तरबन तड़का। और मैं हूं आपका प्यारा होस्ट शेफ हरपाल सिंह सोखी। और जी लेके आया हूं चिकन कड़ी। आहा हा, ये लीजिए, ये रख दी हंडी मैंने आंच पे। और इसमें डाल लेते हैं तेल, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाल लिया। ये डाल लिया तेल। और ओ जी इसमें डालेंगे लौंग, 4 से 5 लौंग ये डाल लेते हैं। दालचीनी का एक टुकड़ा ये डाल लिया। और लाल मिर्चें, ठीक है ना जी, 3 लाल मिर्चें ये तोड़ के डाल ली। और साथ ही साथ डालेंगे जीरा 1 छोटा चम्मच ये लीजिए। और मेथी थोड़ी फीलिंग कम कर लेते हैं क्योंकि ये कड़वी होती है जी, हैं तो 1/4 छोटा चम्मच मेथी के दाने, ठीक है। काली मिरी यानी होल पेपर कॉर्न, ये होल पेपर कॉर्न डाल लिया ये लीजिए। आहा हा, अब ये सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि लाल मिर्चें वो पक जाएं, जीरा भून जाए। तो इसमें डालेंगे चिकन, ठीक है जी। और चिकन ऑन बोन काट के रखा है मैंने, 800 ग्राम का चिकन। हेलो जी, और इसे ये लीजिए बंद कर देते हैं। अरे उछलती बड़ी चीज़ें, ये जो जीरा वगैरह बाकी चीज़ें डाली है बहुत उछलती है, ये लीजिए। अब चिकन डालने के बाद भून लेंगे। आ हा हा, ये लीजिए वो चिकन को पकने देते हैं थोड़ी देर, तब तक हम कड़ी बना लेंगे, मतलब दही को फेंट लेते हैं। लगभग 1.5 कप दही ले लेता हूँ ये लीजिए। और इसी में ये बढ़िया बेसन 1 और 1.5 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगा मैं, मुझे बेसन का फ्लेवर नहीं चाहिए। इसे ये लीजिए मिक्स कर लिया। ओहो हो, ये बढ़िया काम हो गया। अब बाकी मसाले जो हैं ये लीजिए इसी में डाल लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, ये 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल लिया। ये सूखे हुए मसाले वो भी डाल लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर हैं 1 छोटा चम्मच ये डाल लिया। हल्दी 1/2 छोटा चम्मच ये डाल लिया हमने। ओ जी और क्या करना है, ये लीजिए। हाँ हाँ हाँ, सभी को मिक्स कर लिया। और इसमें जो है मैं पानी डाल लेता हूँ, ठीक है ना। और पानी 4 से 5 कप पानी ये लीजिए। और इसे मिक्स कर लेते हैं। हेलो जी, उन की करिए, चिकन मुझे पहले भूनना था इसीलिए मैंने बढ़िया तरीके से चिकन को भून लिया है। ये देखिए कलर जो है, ये देखिए लेग्स वगैरह में बढ़िया कलर आ गया। वो जी चिकन जब भूनते हैं ना तो आता है मज़ा। अब इसमें मैं प्याज डाल लूँगा, 2 से 3 कटे हुए प्याज। वो जी मुझे प्याज क्योंकि ब्राउन नहीं करने थे इसीलिए मैंने पहले नहीं डाले। अब इन दोनों को वापस भूनेंगे बढ़िया तरीके से और ढक के भाई आराम से पकाने दें, मतलब दोनों भूनते रहेंगे, चिकन भी भूनेगा प्याज भी भूनेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए क्या बात है। वो जी ये भी बड़ी सिंपल सी डिश है, कोई झमेला नहीं कि टमाटर प्यूरी करें, ये करें, मसाले ढेर सारे डालें, ना जी ना। अब ये जो बेसन का घोल बनाया था हमने, ये लीजिए ये सारा इसके अंदर, क्या बात। ओहो हो, ये देखिए क्या बात। अब बिल्कुल आराम से बेसन भी पकेगा, वो जी चिकन भी पकेगा और मज़ा आ जाएगा जी। ये देखिए हिलाते रहें इस तरह, बिल्कुल ध्यान से हिलाते रहें। ये देखिए अब उबाला आ गया। उबाला आने पे ओ जी मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें एनर्जी डाल लेते हैं जी। आइए मेरे साथ, ओ हिंदुस्तान को जो गाना प्यारा हो गया है वो है नमक शमक। जी हाँ, ये एनर्जी फैल रही है पूरे जहान में, तो ये डल गई एनर्जी यहाँ पे। नमक शमक डाल देते हैं नमक शमक, ये लीजिए बिल्कुल ध्यान से डाले नमक।
वो जी अब ये देखिए, अब बेसन फटने का बिल्कुल चांस नहीं है, चिकन पकना ये बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे हम, वो जी सिंपल सा काम है, इसको ढक दें और आराम से पकाएं। अब 5 से 6 मिनट पकने के बाद ये देखिए क्या बात है, वो जी कड़ी भी गाढ़ी हो गई है काफी, ये देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी। वो ठंड पा देने यार, ठंड मतलब हरा धनिया कटा हुआ 2 बड़े चम्मच, आहा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो जी डल गई ठंड, वो चिकन को पै गई ठंड, वो स्वाद हो गया डबल, आहा ये लीजिए और ये देखिए बढ़िया स्टीम्ड राइस मिले और ये कड़ी मिले आपको खाने के लिए। मैं कहता हूँ आप खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, वो जी चीज इतनी मजेदार है ये कुछ मत पूछिए। ओ हो वो जी इतना मजेदार है ये चिकन कड़ी, वो कुछ मत पूछिए, मजा आ रहा, मैं खुशबू लेके ही पागल हो रहा हूँ। वो जी मैं पागल हूँ, इसके पहले आप एक काम करें, नोट कर ले इसके इंग्रेडिएंट्स, देखें एक रिकैप, ठीक है जी, आप भी कहीं ना जाएं, नोट करें ध्यान से इंग्रेडिएंट्स, बिल्कुल मिस नहीं करना कोई भी चीज, ठीक है ना, और उसके बाद रिकैप भी ध्यान से देखें। वो जी मेथड का भी पता होना बहुत जरूरी है ना, मैं यार छुपके से ना ये कड़ी खाता हूँ, चिकन कड़ी है चावलों के साथ, मजा आ जाएगा। चिकन की कड़ी सामग्री 800 ग्राम चिकन हड्डी के साथ 1.5 इंच टुकड़ों में कटा हुआ, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 सूखी लाल मिर्च तोड़ी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना, 10 से 12 काली मिर्च, 1.5 कप दही, 1.5 बड़े चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 3 प्याज स्लाइस किए हुए, नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम कर लीजिए, इसमें लौंग दालचीनी सूखी लाल मिर्च जीरा मेथी दाना काली मिर्च डालकर 1 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें चिकन डालकर मिला लीजिए, बीच बीच में हिलाते हुए पका लीजिए। एक बाउल में दही और बेसन मिलाकर फेंट लीजिए। अब इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च पेस्ट लाल मिर्च पाउडर हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह से फेंट लीजिए। 4 से 5 कप पानी मिला लीजिए, चिकन में प्याज डालकर मिला लीजिए, ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए, बेसन का घोल डालकर मिला लीजिए, कढ़ी उबलने पर नमक डालकर मिला लीजिए, ढककर कढ़ी 5 से 6 मिनट तक पकने दीजिए, हरा धनिया डालकर मिला लीजिए, सर्विंग बाउल में निकालकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए।